नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम भारत के युवाओं का एक डीएनए टेस्ट करेंगे और इस विश्लेषण के लिए हम शहीद आजम भगत सिंह की मदद लेंगे, क्योंकि आज शहीदी दिवस है। आज ही के दिन 1931 में भारत के अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने देश की आजादी के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। आज इस शहादत को 86 वर्ष बीत चुके हैं और दुख की बात यह है कि इस लंबे वक्त ने आजादी और उससे जुड़े संघर्ष के मायने बिल्कुल बदल दिए हैं। शहीद भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी थी, लेकिन आज का युवा अभिव्यक्ति की आजादी के लिए जान देने की बात करता है। और अभिव्यक्ति की इस आजादी के लिए अगर किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लगाने की जरूरत हो तो हमारे युवा बिना संकोच भारत के टुकड़े करने के नारे भी लगा लेते हैं। हमारा देश भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। यहां करीब 42 करोड़ लोग 18 से 35 वर्ष की उम्र के हैं, लेकिन इन युवाओं को देखकर आपको ये नहीं लगेगा कि इन्होंने उसी देश में जन्म लिया है जहां भगत सिंह ने सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में शहादत दे दी थी। आज हमारे देश के युवा पार्टी करना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं, महंगे मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं और महंगी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं। उन्हें देश के लिए कुर्बानी देने में कोई दिलचस्पी नहीं। इन युवाओं के माता पिता को भी देश के लिए कुर्बानी देने वाला भगत सिंह तो चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं बल्कि किसी दूसरे के घर में। 1931 और 2017 के युवाओं में यह सबसे बड़ा फर्क है और यह फर्क खत्म किए बगैर हमारे युवा देश की सबसे बड़ी ताकत कभी नहीं बन सकते। और इसीलिए इस विषय पर आपसे बात करना जरूरी है, हर माँ बाप से बात करना जरूरी है और हर युवा से आज संवाद करना जरूरी है। इसके बाद हम आपको जम्मू कश्मीर के उन युवाओं से मिलवाएंगे जो अलगाववादियों के एजेंडे के हिसाब से काम करने की बजाय भारतीय सेना में शामिल होने के लिए परीक्षा दे रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि कश्मीर के पत्थरबाजों में से कई युवाओं की सोच अब बदल गई है। अब इन युवाओं को यह समझ में आ गया है कि उनका सुनहरा भविष्य पत्थरबाजों की फौज के साथ नहीं बल्कि देश के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलने में है। इसीलिए वो पत्थरबाजों की फौज छोड़कर अब देश की फौज में शामिल होना चाहते हैं। आज हमारे पास जम्मू कश्मीर के बारामूला से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो अलगाववादियों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। इन तस्वीरों का विश्लेषण करना आज जरूरी है। और आज हम आपको जापान से आई वो दिलचस्प खबर भी दिखाएंगे जिसे हम कल समय की कमी की वजह से आपको दिखा नहीं पाए थे। जापान के एक शहर के प्रशासन ने बुजुर्ग नागरिकों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर करने के लिए कहा है, क्योंकि वहां बुजुर्गों की ड्राइविंग की वजह से बहुत सारी सड़क दुर्घटनाएं हो रही थी और ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर करने के बदले वहां के बुजुर्गों को उनके अंतिम संस्कार में 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये बहुत चौंकाने वाली खबर है। आप शायद सोच रहे होंगे कि अंतिम संस्कार में डिस्काउंट देने का क्या मतलब है। इसका जवाब हम आपको थोड़ी देर में देंगे, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें देख लेते हैं नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के बीजेपी सांसदों से मिलकर कई अहम निर्देश दिए। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी की मौजूदगी में पीएम ने यूपी के सांसदों से कहा कि वो राज्य की पुलिस को आजाद होकर काम करने दें। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने बीजेपी सांसदों से ये भी कहा कि वे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए योगी सरकार पर दबाव ना बनाएं। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पिछले सत्र में और हर सत्र में ऐसे अनौपचारिक तौर तरीके से हमारे पार्टी के सभी सांसदों से, लोकसभा और राज्यसभाओं के सांसदों से विचार विमर्श करते हैं। दो दिन पहले ही पीएम ने बीजेपी के तमाम सांसदों को नसीहत दी थी कि संसद की कार्रवाई में वो सदन में मौजूद रहें और वो कभी भी किसी भी सांसद को तलब कर सकते हैं। आज की बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को सबका साथ सबका विकास की नीति का पालन सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के हजरतगंज थाने का अचानक निरीक्षण किया। सीएम ने पुलिस थाने में कामकाज का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के साथ यूपी के डीजीपी जावेद अहमद भी मौजूद थे। योगी ने कानून व्यवस्था ठीक रखने और हर पीड़ित की शिकायत सुनने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज हो, इस दृष्टि से पुलिस का मनोबल और इस संबंध में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या प्रभावी कार्य हो सकते हैं, यही सब निरीक्षण करने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि उनका औचक निरीक्षण पहला है, आखिरी नहीं।
उन्होंने आज अपने मंत्रियों को लाल बत्ती वाली कार का इस्तेमाल न करने के निर्देश भी दिए। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों से साफ सफाई और अनुशासन का वादा लिया। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी अपने मंत्रालय के कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। मैं ना गंदगी करूंगा, ना किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे परिवार से सबसे शुरुआत करूंगा। राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने खुद अपने मंत्रालय में साफ सफाई की। यूपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा आज उस वक्त भड़क गए जब वो अपना कार्यभार संभालने के लिए दफ्तर पहुंचे थे। उनके दफ्तर की दीवार पर मुलायम सिंह यादव और आजम खान की तस्वीरें लगी थी, जिस पर वो भड़क उठे और उन्होंने मौजूद कर्मचारियों से पूछा कि आखिर यूपी में सरकार किसकी है और दीवार पर किसकी तस्वीर लगी है। आपको पता है सरकार किसकी है, तस्वीरें क्यों लगी हुई है, हटाने का आदेश क्या आएगा, सरकार किसकी है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी ने सफाई में ये कहा कि उसे तस्वीर हटाने के आदेश नहीं मिले हैं, जिससे मंत्री मोहसिन रजा और भड़क गए और पूछा कि क्या आदेश से ही पता चलेगा कि यूपी में सरकार किसकी है। मोहसिन रजा यूपी की बीजेपी सरकार में एकमात्र मुस्लिम मंत्री हैं। यूपी पुलिस के एंटी रोमियो स्क्वाड पर सवाल उठने लगे हैं। इसकी गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार एंटी रोमियो स्क्वाड की आड़ में नौजवानों को परेशान कर रही है। क्या आज सरकार ये तय करेगी कि लड़का लड़की को पार्क में किस तरह से बैठना है, कैसे बैठना है, कि इसका कोई मानदंड तय होगा कि नहीं? अब तो ये है कि अगर लड़का किसी लड़की से बात कर रहा है, रोमियो स्क्वाड पकड़ ले जाएगा, तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये कार्रवाई यूपी में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कास्ट, क्रीड अथवा रिलीजन के बेसिस पर किसी भी सूरत में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। स्पेसिफिक इंसिडेंट ऐसा है, उसकी जानकारी यदि उपाध्यक्ष महोदय प्राप्त हो जाएगी तो मैं उसे दिखवा लूंगा। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों ने फिलहाल काम पर लौटने की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अपील अनसुनी कर दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉक्टरों से बिना डरे काम पर लौटने के लिए कहा, लेकिन डॉक्टरों ने कोर्ट की भी अनसुनी कर दी। हमारा एजिटेशन चालू है, जब तक हमारी जायज डिमांड जो माननीय हाईकोर्ट ने भी मान्य की है, जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आती, ग्राउंड रियलिटी में नहीं दिखती, तब तक हमारा एजिटेशन चालू रहेगा। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी महाराष्ट्र के डॉक्टरों के समर्थन में आज काम नहीं किया। 40 सरकारी अस्पताल के डॉक्टर एक साथ छुट्टी पर चले गए। कल गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर भी इस हड़ताल में शामिल होंगे। वहाँ की ओपीडी काम नहीं करेगी। एम्स के डॉक्टरों ने आज भी हेलमेट पहनकर काम किया। यहाँ एम्स में भी कई बार ऐसे हमले हुए हैं, तो अपनी बचाव के लिए हम हेलमेट पहन के अपने मरीजों का इलाज कर रहे हैं। बिहार की नीतीश सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी पर सवाल उठाना दो कारोबारियों को भारी पड़ गया। दो दिन पहले स्टार्टअप बिहार कार्यक्रम में दो कारोबारियों ने नीतीश कुमार के सामने स्टार्टअप की पॉलिसी की खामियां बताई, तो कार्यक्रम के बाद दोनों को पुलिस अपने साथ ले गई। दोनों का आरोप है कि उन्हें 8 घंटे तक थाने में बिठाया गया और उन्हें न पानी दिया गया, न ही टॉयलेट जाने दिया गया। 1 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक गांधी मैदान थाने में मुझे बिठा दिया गया। बताइए, वहां पर मुझे पानी नहीं, वहां पर मुझे खाना नहीं, वहां पर मेरे साथ में पेशाब करने देने जाने के लिए कई तरीके के प्रतिबंध मेरे ऊपर। दोनों कारोबारियों पर पुलिस की कार्रवाई की वजह क्या है, ये राज्य के उद्योग मंत्री को भी नहीं पता। आप कुछ बात कह सकते हैं और अपने सीएम के सामने, मंत्री के सामने कुछ बात कह सकते हैं, इसके लिए कोई कार्रवाई की मैं नहीं समझ रहा हूँ। पुलिस किन कारणों से उनको अरेस्ट किया है, हम लोग उसका आप नोटिस भी लेंगे और जानकारी भी प्राप्त करेंगे कि किस कारणों से उसको इतने देर तक इंटरोगेट किया। वहीं जेडीयू ने पुलिस के बुरे व्यवहार के आरोप को खारिज कर दिया है। जांच के लिए लाया और जांच का जो दायरा था वह मधुबनी जिला था और बेगूसराय जिला था, न उनको हाजत में बंद किया गया, वो बाहर में ससम्मान कुर्सी पर बैठे रहे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत देश भर के करीब 100 टीचर्स को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। भागवत दिल्ली के हंसराज कॉलेज में होने वाले सेमिनार में अध्यापकों को राष्ट्रीय मूल्यों पर जानकारी देंगे। ये सेमिनार 25 मार्च और 26 मार्च को होगा, जिसका आयोजन खुद संघ कर रहा है। भागवत टीचर्स को ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे अंग्रेजों के जमाने का पढ़ने पढ़ाने का तरीका छोड़कर राष्ट्रवादी भावना से शिक्षा दें। इस सेमिनार में भागवत के अलावा आरएसएस के जॉइंट सेक्रेटरी कृष्ण गोपाल भी शिरकत करेंगे। सेमिनार में पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, साइंस, सोशियोलॉजी, कम्युनिकेशंस, थिएटर, लिटरेचर,
एंड इकोनॉमिक्स जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, गिलगित और बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद करवाकर भारत का हिस्सा बनाएंगे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को इन इलाकों में अपने अवैध कब्जे को तुरंत छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से को, भले ही वो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है, भले ही वो गिलगित बाल्टिस्तान है, किस प्रकार उसे पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त करा करके भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना करके जम्मू कश्मीर को उसके ओरिजिनल स्वरूप में फिर से बहाल करना, इसके अतिरिक्त और कोई विषय नहीं। जितेंद्र सिंह के इस बयान को भारत में पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित के उस बयान का जवाब माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर मसले को कश्मीरियों की उम्मीदों के मुताबिक ही सुलझाया जाना चाहिए। कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी कांग्रेस के पूर्व सांसद नवीन जिंदल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोयला घोटाले मामले में सीबीआई कल दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में नवीन जिंदल के पूर्व सीए सुरेश सिंघल के दिए सबूतों के आधार पर की गई जांच के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर सकती है। पिछली तारीख पर स्पेशल कोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई ने अगली तारीख पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने की बात कही थी। चुनाव आयोग ने एआईएडीएमके के पनीर सेल्वम गुट और शशिकला गुट को अलग अलग चुनाव चिन्ह दे दिए हैं। पनीर सेल्वम गुट को चुनाव निशान के तौर पर बिजली का खंबा दिया गया है, वहीं शशिकला गुट को चुनाव चिन्ह के तौर पर हैट मिली है। पनीर सेल्वम गुट की पार्टी का नाम एआईएडीएमके पुराची थलेवी अम्मा होगा। Has allotted the name All India Anna Dravida Munnetra Kalagam Purachi Thalavi Amma for our group and has allotted the symbol electric pole. जबकि शशिकला की पार्टी AIADMK अम्मा होगी। शशिकला कैंप का दावा है कि पार्टी का पुराना सिंबल जल्द ही उन्हें मिल जाएगा। The hat symbol has been given. The hat symbol is a temporary thing. True leaves is going to be our symbol soon. श्रीनगर में आज पुलिस ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों पर लाठी चार्ज किया, जिसमें कई कर्मचारी घायल हो गए। इनमें कई महिलाएं भी शामिल थी। पुलिस ने लाठी चार्ज के बाद कई कर्मचारियों को हिरासत में भी लिया। प्रदर्शनकारी 5 महीने से सैलरी न मिलने, सैलरी बढ़ाने और नौकरी स्थायी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ये लोग जब मुख्यमंत्री के घर की तरफ बढ़ने लगे, तब पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया। आतंकी संगठन ISIS ने ब्रिटेन की संसद के बाहर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। ISIS ने दावा किया है कि खलीफा के सिपाही ने ब्रिटिश संसद पर हमला किया। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने भी आज ब्रिटिश संसद में कहा कि हमला करने वाला इस्लामिक आतंकवाद से प्रेरित था। उसे ब्रिटिश सिक्योरिटी सिस्टम की पहले ही जानकारी थी। Began when a single attacker drove his vehicle into pedestrians walking across Westminster Bridge, killing 2 people. And injuring many more, including 3 police officers. This attacker, who was armed with a knife, then ran towards Parliament, where he was confronted by the police officers who keep us and our democratic institutions safe. कल लंदन में हुए आतंकी हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। हमलावर ने वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर कार से 40 लोगों को कुचल दिया था। बाद में उसने हाउस ऑफ कॉमन्स में घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया। पुलिस की छापेमारी में अब तक 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पीएम मोदी ने लंदन आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत ब्रिटेन के साथ है। स्टूडेंट लोन के लिए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने वाली कर्नाटक की मांड्या की छात्रा बीबी सारा का बैंक लोन अप्रूव हो गया है। पीएमओ के निर्देश पर बैंक ने एमबीए की पढ़ाई के लिए सारा का 1.5 लाख का लोन पास कर दिया है। छात्रा सारा को हैरानी है कि आखिर पीएम के निर्देश पर इतनी जल्दी काम कैसे बन गया। उम्मीद तो थी, क्योंकि हम न्यूज में सब देखते हैं तो प्रधानमंत्री सबके लिए रिस्पांस करते हैं, तो एक वैलिड रीजन था हमारे पास, वो जरूर रिस्पांस करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी करेंगे पता नहीं था। विदिन 10 डेज उन्होंने रिप्लाई किया। बैंक ने पहले ये कहकर लोन देने से इनकार कर दिया था कि फैक्ट्री में काम करने वाले उसके पिता आखिर लोन कैसे चुका पाएंगे, जिस पर सारा ने पीएम को चिट्ठी लिखी और इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जिक्र किया था, जिस पर पीएमओ ने संज्ञान लेते हुए कर्नाटक की चीफ सेक्रेटरी को सारा की मदद करने के निर्देश दिए।